आपका काम है कि डायरी लो, फटाफट पेपर लो और लिखते चले जाओ, ये 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 समस्या है। और उसके बाद शांत मन रखकर सुबह जैसे प्राणायाम करते जा रहे हैं या एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, पेन कागज सामने रखा हुआ है, समस्याएं आपने लिख दी, समाधान को समझ में आता जाता है उसे भी नोट करते चले जाओ, जाप करते जा रहे हैं, कुछ भी अंदर जाप चल रहा है, फिर कुछ ध्यान आता है कोई चीज का, नोट करते चले जाओ, मस्तिष्क खाली हो जाए तो उसके बाद में प्रार्थना कर लो। कह दो भगवान से कि मीटिंग तो खुद के साथ कर ली, अब चिंतन कर लिया मैंने, लेकिन अब चिंता नहीं करूंगा, तुम्हें समर्पण करता हूं अपनी चिंताओं को और पूरा पूरा प्रयास करूंगा समस्याओं का समाधान करने के लिए, और तू मेरी मदद करना। मस्तिष्क को खाली कर लेना। जैसे मस्तिष्क आपका खाली हो जाए, आप अपनी एक्सरसाइज करते जा रहे, प्राणायाम करते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कोई मधुर संगीत, इतना धीमा कि आपके कक्ष तक ही रहे आवाज, बाहर ना जाए, बस उसी को सुनते सुनते आप उस समय अपना मन भगवान के चरणों में लगाए लगाए तैयार होते जाइए। क्योंकि सुबह को जितना मधुर, पवित्र, शांत, निर्मल बना लोगे, आपके अवचेतन मन में, आपके चित्त की चित्त भूमि में परमात्मा की कृपाओं के बीज बोए जा रहे होते हैं उस समय। ये एक सुबह का समय ऐसा अद्भुत होता है, अगर आप अपने चित्त को उस समय तैयार कर लें तो ये याद रखिए, इस सुबह से आपकी पूरी जिंदगी प्रभावित होगी। और अगर आप अपने सुबह को नहीं संभाल सकते तो आपका मध्याह्न भी नहीं संभलेगा, आपकी सांझ भी नहीं संभलेगी, आपकी रात भी नहीं संभलेगी, और फिर अगला दिन भी ऐसे ही जाएगा, दिन ऐसे जाएंगे तो सप्ताह भी ऐसे जाएंगे। जिन्होंने अपना दिन संभालना नहीं आता तो वो सप्ताह भी नहीं संभाल पाते, जो सप्ताह नहीं संभाल पाते उनके महीने भी नहीं संभलते, और जिनके महीने नहीं संभलते उनके वर्ष भी नहीं संभलते, और जिनके वर्ष नहीं संभलते उनकी जिंदगी भी नहीं संभलती। इसलिए एक एक दिन को संभालिए। जो एक पैसे की कद्र कर सकता है तो वो करोड़ों की भी कद्र करेगा, जिसको एक पैसे की कद्र नहीं है तो करोड़ की क्या कर लेगा। एक की कद्र करना सीख जाइए तो आपको सब कुछ दिया जाएगा। इसलिए पृथ्वी ग्रह पर आया हुआ प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य अद्भुत अवसर लेकर आया हुआ है, उसे सदगुरु के हाथों में सौंप कर उसके दिशा निर्देशन में जीने की चेष्टा करोगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा चल सकता है। अद्भुत बात तो यह है, हम गुरु को भी यूज कर लेना चाहते हैं और अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लोगों को इतना भी पता नहीं होता उनके साथ बैठना उठना कैसे होता, सामने आके बराबर में बैठ जाएंगे, कैसे भी बात करने लग जाएंगे, कंधे पे हाथ रख के, और क्या हाल है जी बताओ, नहीं तरीका आता। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अगर मर्यादा नहीं आती तो फिर बात वही होगी कि दुर्योधन कृष्ण के सामने खड़ा था, लेकिन उस दिव्य चेतना को, परम चेतना को पहचान नहीं पाया, इसलिए उसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन भी नहीं आया। और जिसने पहचान लिया उसने अपना कल्याण कर लिया। भगवान भी सामने होगा, अगर आप पहचानने वाले नहीं होंगे तो आपका कोई भला होने वाला नहीं, और अगर आप पहचानने वाले बन जाएं तो आपका एक ही झटके में कल्याण हो जाए। बहुत प्रेम, मर्यादा और समर्पण का भाव अगर आप में है तो बहुत कुछ बात बन जाएगी। इसलिए जब मैं कल आपसे कह रहा था कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी बस उनके आगे सिर झुकाती है। हर हाल में खुश रहना उन्हीं को आता है जिन पर कृपा होती है। इसलिए वो कृपा को पाने के लिए महान पुरुष की शरण में जाने की चेष्टा करिए। तो गुरु सबसे पहले आपको नियम में बांधेगा, आपको अनुशासन देगा,
आपको चिंताओं से मुक्त होना सिखाएगा, क्योंकि वो कहता है व्यथा नहीं व्यवस्था की तरफ चलो। व्यथाएं आएंगी जीवन में, लेकिन टूटेंगी व्यथाएं व्यवस्था के कारण। चिंता नहीं, चिंतन की तरफ चलना शुरू कर दो, क्योंकि चिंता बार बार आपको चोट पहुंचाकर खोखला करेगी, और चिंतन चिंता को हटाने का जरिया बनेगा। एक एक शब्द पर गहराई से विचार करना। चिंतन चिंता को हटाने का कारण बनेगा, और चिंता अगर करते रहे तो आपको दीमक की तरह खोखला कर देगी। चिंतन करना सीखिए, खुद के साथ मीटिंग करना सीखिए बिना डरे। तरीका क्या? समस्या पर ध्यान कम लगाइए, समाधान पर ध्यान ज्यादा लगाइए। अगर समस्या पर ध्यान टिका रहा तो डर बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, और अगर समाधान पर ध्यान रहा तो चिंता घटेगी और डर मिटेगा और आप सफल होंगे। इसलिए समाधान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यह ऐसे भी ठीक कर सकता हूं, वैसे भी ठीक कर सकता हूं, ऐसे भी रास्ता बन सकता है, वैसे भी बन सकता है, और ऐसे नहीं बना तो यह भी सच है, परमात्मा कोई ना कोई रास्ता निकालेगा जरूर, मेरा भरोसा है, पक्का विश्वास है, उसकी कृपा होगी। मुझे हाथ पांव चलाने हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे बात बनानी है, ये विश्वास रखो। और जब आप कुछ छटपटाओगे, कुछ हाथ पांव हिलाओगे, कहीं ना कहीं से बात बन जाएगी। शुरुआत में नहीं दिखाई देगा कि आगे रास्ता किधर जाता है, लेकिन बात बनेगी जरूर। और ये बात ध्यान रखिए कि जब आपकी कोई बात नहीं बन पा रही है तो ये समझ लेना चाहिए भगवान कुछ सिखाना चाहता है आपको। उसके सिखाने के ढंग भी अद्भुत हैं। वो किस तरह से कैसे कैसे सिखाता है उदाहरण नहीं देना चाहता, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी आपको बहुत कुछ सुनाना है मैंने, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको व्यथा पर नहीं व्यवस्था पर ध्यान देना है, चिंता पर नहीं चिंतन पर ध्यान देना है, और आपको आलस्य को नहीं कर्मठता को अपनाना है, क्योंकि आपकी यात्रा भूलोक से शिवलोक की यात्रा है। इस लोक से परम लोक तक, परमात्मा के लोक तक जाने की यात्रा आपकी है। तो उस यात्रा पर जाने का मतलब क्या होता है? अपने आनंद में जीना, अपनी शांति में जीना, अपनी निर्भयता में जीना, अपनी स्थिरता में स्थित होना। गीता को आप पढ़ें तो गीता में जैसे 18 अध्याय है ना, ऐसे गीता के 18 श्लोक बड़े अद्भुत हैं, जिसमें आप ये स्थित प्रज्ञ आदि के सारे लक्षण और संदेश 18 श्लोकों में पाते हैं। और भक्ति के लिए 12वें अध्याय में एक अमृताष्टकम है, 8 श्लोकों का, जिसे अमृत अष्टकम कहा जाता, अमृताष्टकम, 8 अमृत में संदेश, मैं किसे प्यार करता हूं, कौन मुझे प्यारा है। और 26 गुण गीता के, क्योंकि इस समय गीता को विषय नहीं बनाया गया है, हालांकि गीता प्रकट हुए 5151 वर्ष हो चुके हैं, और ये अद्भुत संयोग वाला समय है, क्योंकि 4,32,000 सालों का कलयुग है, और जिस युग में कृष्ण भगवान आए थे वो 8,64,000 सालों का था। अब 5,000 साल इस कलयुग को हुए हैं, तो आप समझ लीजिए अभी इतना इतना तनाव दबाव चिंता प्रभाव झूठ फरेब इतना बढ़ गया है। लोग कहते हैं पूरा कलयुग आ जाएगा तब क्या होगा, चक्र चलता रहता है अच्छाई बुराई का, संयोग वियोग का। हर युग में अच्छे बुरे लोग होते रहे हैं, लेकिन आपके लिए ध्यान रखना चाहिए, इस कलयुग में भी अगर तारने वाली कोई शक्ति हो सकती है तो गीता ही सबसे बड़ी शक्ति है। गीता को पढ़ो, और मैं तो याद करना चाहता हूँ परम पूज्य राम सुख जी महाराज को, जिन्होंने गीता को इतना महत्व दिया,
जैसे शापनहावर जर्मन फिलोसफर उपनिषद और गीता को सिर पर रखकर सड़कों पर नाचा था और उसने कहा था दुनिया में सबसे ऊंची कोई विद्या अगर हो सकती है तो गीता और उपनिषद है, यही सिर पर रखकर नाचने की चीज है। तो मैं तो ये कहूंगा हमारे मन मस्तिष्क में गीता स्थित हो जानी चाहिए, गीता के गीत को संगीत को जीवन का संगीत बना लेना चाहिए। कृष्ण भगवान ने 20 ऐसे गुण बताए गीता में जिनको ज्ञान कहा है कि ये ज्ञान आना चाहिए, ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। 26 गुणों की चर्चा की जिसे कहा कि ये दैवी संपदा है। तो आप लोग बहुत गीता पर श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, तो मैंने संकेत किया है इसे आप थोड़ा गीता की पुस्तक में देखने की चेष्टा कीजिए, वो आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि बड़ा अद्भुत संयोग है, एक अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से गीता शुरू होती है। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला, 18 महारथी थे और 18 अक्षौहिणी सेना थी, और इस सब को ध्यान में रखकर व्यास ऋषि ने 18 पर्वों का महाभारत लिखा और उसके मध्य में लाकर 18 अध्यायों की गीता रख दी और फिर संदेश दिया कि धर्म और धर्म क्षेत्र में और कर्म के कुरुक्षेत्र के बीच अच्छी मतलब धर्म की सेना और अधर्म की सेना जब सामने खड़ी हो जाए और आपके मन में जब संकल्प और विकल्प आकर खड़े हो जाएं, जब आप ये नहीं समझ पाओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अपने जीवन रथ पर अपने गोविंद को बैठा कर उसी को कहो तुम ही बताओ मैं क्या करूं, और फिर जब अंतर से आवाज आने लग जाए उस आवाज के सहारे जीवन को चलाने की चेष्टा करनी चाहिए। यहां से गीता की शुरुआत होती है। पर मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं किसी एक ग्रंथ के साथ अपने आप को जोड़ना बहुत जरूरी है जो आपका जीवन दर्शन बन जाए। यही वो गीता है जिसने भारत के महान क्रांतिकारियों को देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा दी। यही तो था महान ग्रंथ जिसको लेकर के महात्मा गांधी ये कहते रहे कि जब भी कभी मैं निराश हुआ हूं और मुझे कहीं भी किसी भी रूप में कुछ भी ऐसा नहीं नजर आया कि मैं किसी और से सलाह लूं, तो फिर मैं गीता माँ की शरण में गया हूं और गीता ने मुझे कभी निराश नहीं होने दिया, हर बार गीता से मुझे कुछ न कुछ नया मिला। और उनके शिष्य थे विनोबा भावे, वो कहते थे कि मैं माँ के दूध पर इतना नहीं जितना गीता के अमृत पर जिया हूं, उससे मेरा जीवन चला है, मेरे जीवन में सब कुछ गीता ही रही है। कितने कितने लोग हुए, डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने तो गीता को इतना इतना पढ़ा लिखा, गीता पर बहुत अच्छा कहा। लोकमान्य तिलक जिन्होंने ये आजादी के आंदोलन को इतना बड़ा रूप दिया, और पूरे महाराष्ट्र में आप लोग देखते हैं ना कि जो ये गणेश महोत्सव चलता है ये शुरुआत लोकमान्य तिलक ने की थी, जेल की काल कोठरी में बैठकर गीता पर भाष्य करते रहे। कर्म सिद्धांत रहस्य नाम से ग्रंथ दिया उन्होंने। इतने इतने लोग ज्ञानी ध्यानी महायोद्धा स्वतंत्रता सेनानी सबके पीछे गीता इतनी बड़ी शक्ति बनी रही। ये बीच में विषय मैंने ले लिया कि ये बताने के लिए कि किसी एक ग्रंथ के प्रति आप श्रद्धा रखिए, हो सके तो गीता, और गीता को ये मत समझ लेना ये मरने वालों को सुनाने वाला ग्रंथ है, ये तो जिंदगी देने वाला ग्रंथ है। ये उस राजकुमार के लिए कहा गया ग्रंथ जिसको वीर अर्जुन बना दिया कृष्ण ने,
और जिसको अमर बना दिया कृष्ण ने, उसको माध्यम बना करके पूरी दुनिया के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अमृत संजीवनी दी। इसलिए गीता तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके घर में बहुत प्रेम से रखी जानी चाहिए, पर माथा झुकाने के लिए नहीं, जिंदगी में गीता उतारने के लिए गीता को घर में लेकर आइए तो कल्याण होगा। नहीं तो हम लोग ज्यादातर हाथ जोड़कर गीता को प्रणाम कर लेते हैं, मत्था टेक लेते हैं, तो ये परिक्रमा करने के लिए नहीं है। क्योंकि जैसे आजकल ये कहा जा रहा ना कि अब साइंस इतनी आगे बढ़ गई कि मंगल ग्रह में जीवन ढूंढ रही है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि जीवन में मंगल ढूंढने की कोशिश ज्यादा होनी चाहिए। हम आसमान में तो पहुंच गए लेकिन जीवन में मंगल नहीं ढूंढ पाए, तो गीता जीवन में मंगल ढूंढने का अभियान है। फिर वहीं चलते हैं जैसे मैंने आपसे कहा था, गुरु, गीता, गंगा, गायत्री, गौ पूजनीय है, मर्यादा में रहकर सम्मान देना चाहिए, गुरु को साधारण नहीं मानना चाहिए। गुरु के साथ कैसे बैठना है, गुरु चल रहे हों तो छाया पर भी पांव नहीं पड़ना चाहिए, गुरु तृण भी दे दे तो अमृत मानना चाहिए, न जाने किस बहाने से कौन सी कैसी कृपा कर दे और जीवन का कल्याण हो जाए। इसलिए गुरु को साधारण नहीं मानो, गुरु ही तो कहता है पहचानो इस घट के अंदर बाग बगीचे, इसमें सृजन हारा, इस घट के अंदर सात समुंदर, इसमें नौलख तारा, तुम्हारे अपने अंदर ही तो बहुत कुछ है, इस घट अंदर पारस मोती, इसमें परखन हारा, इस घट अंदर अनहद गर्जे, इसमें उछलत फवारा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसमें साईं हमारा। सब कुछ हमारे अंदर है, तो अंदर ही बाग बगीचे मतलब वो सौंदर्य जो संसार का आप बाहर देखना चाहते हो, ध्यान लगाओ तो अंदर जो कुछ दिखाई देता बहुत अद्भुत है। इसी में वो निर्माण करने वाला जिसने सारे संसार को बनाया वही अंदर है, इसी में सात समुद्र दिखाई देंगे, इसी में आसमान में खिले हुए तारे दिखाई देंगे, इसी के अंदर मोती, और इसी में वो जिससे दृष्टि आती है कि अंदर और बाहर परमात्मा को खोजा जा सके। मतलब यह है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में भगवान की अनुभूति करने के बाद इंसान जब बाहर भी थोड़ा बहुत चलता फिरता उठता जाता है तो उसे संसार की हर चीज में परमात्मा के चित्रों में चित्रकार के दर्शन होने लगते हैं। कभी कभी जब आप किसी तीर्थ में दर्शन करके आ जाएं तो तीर्थ में जैसे आप मान लीजिए चले गए बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर ऐसी जगह जाकर बैठो जहां और कोई ना हो और वहां रहकर शांत मन से अपने नारायण को पुकारने की चेष्टा करो। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना, ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली